मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तौसीफ आज आपका फर्स्ट डे है क्या? सबको आवाज क्लियर है? कोई पर्सन मुझे कंफर्म करे। ओके हमजा, थैंक यू। चले इतने मेन वाइल बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करते हैं, हम पहले इस चैप्टर कंप्लीट कर लें एज कमिटेड इन द लास्ट लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर के रिगार्डिंग किसी किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन हो, अगर हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट को हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने सेल ऑफ गुड्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, सेल पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, दोनों में हमने डिफरेंस पूछा था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट टू द सेल में क्या फर्क होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में अकाउंट टाइटल रिस्क एंड रिवार्ड आपके ट्रांसफर हो चुके होते हैं, एंड एग्रीमेंट टू द सेल में आपका अभी रिस्क एंड रिवार्ड अभी ट्रांसफर होने होते हैं। हमने दोनों में डिफरेंस देखे थे, फिर प्राइस की कुछ कंडीशन हमने देखी थी, फिर नेक्स्ट हमने देखा था कि कंडीशन एंड वारंटीज की हमने कुछ बातें की थी, फिर हमने दोनों में पूछा कि यार कंडीशन आपके लिस्ट डाउन होते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक आपने चीजें डिलीवर करनी होती हैं, अगर कोई भी जैसे इसमें मिसहैप होती है तो वो सप्लायर है या मतलब कि जो भी बायर है कैन रिजेक्ट योर ऑर्डर, जो वट एवर जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है वो रिजेक्ट कर सकता है। फिर हमने वारंटीज की कुछ पढ़ी थी, फिर हमने कुछ पढ़ी थी कंडीशन ट्रीटेड वर्सेज वारंटीज, ओहो निदा सो सैड, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, अल्लाह मकाम दे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ है, अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। कुछ वर्ड्स एंड लम्हात हमारे पास में कुछ स्पीच टेस्ट होते हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ पेरेंट्स की लाइफ में दुनिया में ना हर चीज की रिप्लेसमेंट हमारे पास मिलती है लेकिन पेरेंट्स की रिप्लेसमेंट नहीं मिलती। कहते हैं जो मर्जी हम कुछ वर्ड्स कह लेते हैं कुछ भी, कहते हैं सहारा तो जरूर हो सकता है लेकिन जितना मर्जी कर लें इनकी रिप्लेसमेंट नहीं होती है। अल्लाह ताला उनको जन्नत और फिरदौस में जगह अता फरमाएगा। अगर बाकी स्टूडेंट भी ज्वाइन कर गए हैं तो हाईली हम्बली रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल, तो काइंडली 2 to 3 minutes कैन वी गिव टू द निदास बशीर फादर्स कि हम दुआ फातिहा खवानी 2 मिनट के लिए हम दुआ कर लें हम यहाँ पर। इफ ऑल स्टूडेंट्स आर एग्री देन हम प्लीज 2 मिनट यहाँ पर जो है ना हम दुआ कर लेते हैं। एक्चुअली निदा बशीर के मैं शायद किसी ने अगर पढ़ा नहीं है मैसेज तो निदा बशीर हमारे यहाँ स्टूडेंट हैं यहीं पर ही, तो निदा के फादर की डेथ हो गई है तो जिसकी वजह से वो पिछले दिनों भी क्लास नहीं ले रही थी, तो यहाँ पर हम दुआ कर लेते हैं। सब स्टूडेंट्स आ गए हैं, हम क्या स्टार्ट करें दुआ? चलें ठीक है अनीस, आमीन सुमान, हम दुआ कर लेते हैं देन विल स्टार्ट।
Suma. अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, आला मकाम करे, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। आमीन सुम्मा। देखें, ये कुछ दुनियावी बातें होती हैं, कुछ दीनी होती हैं। दोनों दीन के अंदर कहते हैं ना दुनिया है, दुनिया के अंदर भी देखें तो दोनों डिफरेंट चीज़ें एक हो जाती हैं। हमने सबने लौट कर वहीं जाना है, लेकिन कुछ कहते हैं ना कि यार आने का तो वक्त होता है, जाने का किसी का कोई वक्त नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला इंसान पर उतना ही बोझ डालता है जितना उसके अंदर सकत होती है, जितना उसको संभालने की ताकत होती है। इरेस्पेक्टिव कंपैरेटिवली मेरे भी पेरेंट्स नहीं है, अल्लाह ताला उनको भी दोस्त में जंगा था मैं, और जिनके वालदैन अभी हयात हयात हैं अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी अता करें, उनका साया और सर पर सलामत रखें। कोशिश करें उनको टाइम दें, टाइम और वक्त सबसे बड़ा जो होता है हर चीज में, हर डिपार्टमेंट में, हर चीज में। देखें हम यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं ना, हम यहाँ पर लेक्चर में टाइम इसीलिए दे रहे हैं ताकि इन ऑर्डर टू गेन द बेनिफिट, इन ऑर्डर टू गेन द passing marks, in order to secure the field of PIFA. Obviously, time दे रहे हैं तो उसके output में हमें कुछ ना कुछ मिलता है। Parents का एक love होता है जो कि unconditional होता है, लेकिन death पर ये कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जो कि हर बंदा speechless होता है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हमने कल एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशंस की कुछ बातें की थी। एक्सप्रेस तो हमने कुछ कर ली थी और अब हमने इम्प्लाइड कंडीशन से हमने आज स्टार्ट करना था।
कुछ एक्सप्रेस कोड ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कि जिस तरह एक्सप्रेसिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब कि आपने किसी ना किसी फॉर्म में उसको लेकर चलना होता है कि यार एक्सेप्टेंस ऑफ द बायर है, ऑप्शन ऑफ द बायर है, कंडीशन एज वारंटी की हमने बातें की थी, फिर हमने कुछ कर दी थी इम्प्लाइड कंडीशन की हमने बातें की अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अगर कोई दूसरा वो बरक्स इसके अगर वो एग्रीड ना कर ले आपस में पार्टीज, द लॉ इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंडीशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, बिलाल अफसर काइंडली अपने आप को म्यूट कर लेंगे, आपकी तरफ से आवाज आ रही है। काइंडली प्रीफर हेड ऑफिस से इनको अपना इनको म्यूट कर दें, मेरे पास एक्सेस नहीं आ रही है इनकी। ठीक है, थैंक यू। नाउ विल स्टार्ट। सेकंड ऐप क्या रहता है कि यार इन द फॉलोइंग कंडीशन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, सबसे पहले है कि कंडीशन ऑफ द टाइटल, टाइटल होता है आपका अकाउंट, जिस नाम बैंक अकाउंट भी कहलाता है, अकाउंट टाइटल होता है आपके नाम का होता है कि यार इन द गुड फेथ आपका अकाउंट टाइटल ट्रांसफर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। कंडीशन ऑफ द टाइटल की है कि एक्चुअली जमीन या जो भी हम चीज सेल कर रहे हैं वो गुड टाइटल में है, वो आपकी ही थी तभी आप उसको सेल कर रहे हो, किसी और के नाम पे वो नहीं है। उसकी हम कंडीशन कुछ टाइटल की हमें कि इन केस ऑफ अ सेल द इंप्लाइड कंडीशन इज दैट द सेलर हैज अ राइट टू सेल द गुड्स, सेलर के पास राइट है टू सेल द गुड्स इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू द सेल, द इंप्लाइड कंडीशन इज दैट द सेलर विल हैव अ राइट टू सेल द गुड्स एट द टाइम व्हेन द ओनरशिप इज टू पास, जब ओनरशिप पास हो रही है फ्रॉम द सेलर टू द बायर, मतलब कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि इंप्लाइड कंडीशन इज दैट है कि सेलर के पास उसका राइट होना चाहिए गुड्स का जब ओनरशिप एक पर्सन से दूसरे पर्सन मतलब के सेलर से बायर की तरफ जो ट्रांसफर हो रही है। Therefore, it is presumed that हम ये प्रज्यूम करते हैं कि सेलर के पास टाइटल जो है वो इन अ गुड मैनर में है, मतलब कि वैलिड टाइटल है, कोई फेक उसका टाइटल नहीं है, या तो हम ये प्रज्यूम करके हम उसे चीज हम परचेज कर लेते हैं। टाइटल टू द गुड्स इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल इफ द सेलर्स टाइटल प्रूव्स टू बी डिफेक्टिव, अगर सेलर का टाइटल प्रूव्स टू बी डिफेक्टिव होता है तो बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स एंड रिकवर द प्राइस, और डैमेजेस भी आप उसे क्लेम कर सकते हो अगर आपका कोई लॉस हुआ है, जिस तरह हम यहां पर बात कर रहे हैं। जस्ट अ सेकंड, स्टूडेंट्स हमने एग्जाम्पल करी कि आर परचेज्ड अ कार फ्रॉम टी, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स द पुलिस टुक अवे द कार एज इट वाज द स्टोलन, ये चोरी की गई थी, आर सूड डी, आर ने केस कर दिया डी पर टू रिकवर द प्राइस, हेल्ड दैट आर कैन रिकवर द प्राइस। सेकेंड है सेल बाय डिस्क्रिप्शन, जब हम सेल हम डिस्क्रिप्शन के बारे में ले रहे हैं, कल भी हमने वो पढ़ा था, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय द गुड्स ऑफ इट इज एन इंप्लाइड कंडीशन होनी चाहिए दैट गुड्स शैल बी कोरेस्पोंड विद द डिस्क्रिप्शन, के जैसे ही आपने डिस्क्राइब किया वैसे आपको गुड्स प्रोवाइड की जाएंगी, अदरवाइज बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स, ये आपका है बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स। नीचे उसी की एग्जाम्पल दी गई, इसी तरह सेल बाय सैंपल की है कि अगर सैंपल के मुताबिक अगर आपने सेल नहीं किया है, जो सैंपल की क्वालिटी थी उसके मुताबिक ही आपने सेल उसको करनी है, अगर उसके सेल की नहीं है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है, रीजनेबल केस किया गया उसको रिजेक्ट वो कर सकता है। अब वो क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय द सैंपल इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, क्या है, द बल्क शेल कोरेस्पॉन्ड विद द सैंपल इन क्वालिटी, बल्क जो है वो उसे रिलेट करना चाहिए, द बायर शेल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर द बल्क विद द सैंपल, उसके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, उसके पास होगी द बायर शेल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर द बल्क विद द सैंपल के साथ वो कंपेयर करे,
The goods shall be free from any defect. वो किसी भी डिफेक्ट के the goods shall be free from any defect. डिफेक्ट से वो बालातर होनी चाहिए. Rendering them unmerchantable, which would not be apparent on reasonable examination of the sample. इस तरह अगर दोनों के related हैं कि sale by sample भी and description भी, तो दोनों के accordingly होनी चाहिए ना. Sample description के साथ match ना करे और आप sale कर रहे हो. जैसे हमने कहा कि sample के accordingly हो तो sample क्यों, अगर description के accordingly हो तो description के accordingly होनी चाहिए. थी कंडीशन ऑफ फिटनेस और क्वालिटी. जो फिटनेस और क्वालिटी आपने उसको परचेज के टाइम पे बताई कि हमें भाई ये वाली चीज चाहिए, तो उसी के मुताबिक ही होनी चाहिए, अदरवाइज आप रिजेक्ट कर सकते हो. जिस तरह नीचे कंडीशन दी हुई, दिस कंडीशन अप्लाइज इट फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड. द बायर शुड इन्फॉर्म द सेलर अबाउट द पर्पज ऑफ द गुड्स. उसको बताएगा कि भाई मुझे इस चीज के लिए यूज करनी, ताकि वो उसके मुताबिक फिट क्वालिटी दे. द बायर शुड रिलाई ऑन द सेलर स्किल और जजमेंट. उसकी सेलर्स के स्किल पर, जजमेंट पर रिलाई करना चाहिए उसको. और द सेलर्स बिजनेस मस्ट बी टू द सेल गुड्स ऑफ दैट टाइप. जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है कि सेलर उसी चीज में वो बिजनेस भी कर रहा हो, उसी चीज को वो सेल आउट भी कर रहा हो, करना चाहिए. इस तरह कंडीशन और ऑफ मर्चेंटेबिलिटी, कहता है द टर्म मर्चेंटेबिलिटी मीन्स द गुड मस्ट बी फिट फॉर द पर्पज ऑफ विच दे आर जनरली यूज्ड. कि जनरली जिस पर्पज के लिए वो चीज यूज होती है, उसके मुताबिक ही होनी चाहिए. और व्हेन गुड्स आर बॉट बाय द डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द सेलर who deals in goods of that description, whether he is the manufacturer or producer or not. Beshak wo is a manufacturer hai ya producer hai, jo bhi hai, this is an implied condition hoti hai, the goods shall be of merchantable quality. The goods merchant must be free from hidden defects. Koi bhi defect ho, usse free hona chahiye. The condition by custom hai, jo bhi ordinary course of the business mein, usage of the trade mein, jo cheezein use hoti hai, uske mutabik honi chahiye. ये ना हो कि एलियन के लिए हम बना रहे हैं, कोई खलाई मखलूक के लिए तो नहीं बना रहे ना. जिस कंडीशन के लिए नॉर्मल प्रैक्टिस में वो चीज जो यहाँ पर यूज होती है वो नॉर्मली यूज हो. कहते हैं द एम्प्लॉयड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर द पर्टिकुलर पर्पस. जिस तरह साइकिल का एक टायर है, पता है यार साइकिल के लिए और इन जैसी साइकिलों के लिए ही है, तो भाई उस चीज के लिए पर्पज के लिए वो यूज भी होता हो. फिटनेस फॉर द पर्टिकुलर पर्पज मे बी एनेक्स्ड बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड. इन सम केसेस द पर्पज फॉर इज द गुड्स आर रिक्वायर्ड मे बी असर्टेन फ्रॉम द एक्ट्स और कंडक्ट ऑफ द पार्टीज टू द सेल. वो भी सर्टन भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग टायर बनाते हैं गाड़ियों के लिए, लेकिन कुछ लोग आपने देखा होगा टायर लेकर ना घरों में पौधे की एक बहुत सारी चीजें बन जाती हैं. तो आपकी चीजों पर डिपेंड करो, तो फिर अगर कोई डिफरेंट हो रही है तो उसको पर्पज डिफेंड करना पड़ेगा आपको. और फ्रॉम द नेचर ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्टिकुलर परचेज. इस तरह कंडीशन ऑफ द होलसमनेस. कहता होलसमनेस मीन्स बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ. इंजरी फॉर द हेल्थ नहीं होनी चाहिए, स्पेशली पेरिशेबल चीजों के लिए. क्या the condition applies only in contract of sale of the eatable and provisions. जो eatable goods होती है उनके लिए complimentary होनी चाहिए, क्योंकि दूसरी चीजें तो health के लिए तो नहीं होंगी ना, वो health के लिए नुकसानदायक नहीं होनी चाहिए. यहाँ से हमने I think implied warranty से हमने कुछ पढ़ना था, हमने दोबारा repeat कर ली थी चीजें, वो भी ये कल के lecture में हमने चीजें पढ़ ली थी. special request आई थी तो उसके भी आप पर हमने दोबारा repeat किया. And anyway हमने implied warranties, हमने वो कुछ conditions के बाबत पढ़नी थी. अब आ गया हमारे पास इंप्लॉयड वारंटीज. कहते हैं अनलेस अदरवाइज एग्रीड, इसके अलावा कुछ और हम एग्रीड ना कर लें, द लॉ इंक्लूड्स द फॉलोइंग वारंटीज इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स. ये होनी चाहिए, होती है. क्या है? क्वाइट पोजेशन. कहते हैं इट इज एन इंप्लॉयड वारंटी टू द बायर दैट ही शैल हैव द पोजेशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ द गुड्स सोल्ड टू हिम. सोल्ड टू हिम कहते हैं इट इज एन इंप्लाइड वारंटी होती है टू द बायर के पास. कहता है ही शैल हैव द पोजेशन एंजॉयमेंट ऑफ द गुड सोल्ड टू हिम. जो उसको सेल की गई है उसके पास उसकी पोजेशन भी होती है विदाउट डिस्टर्बेंस फ्रॉम द सेलर और एनी अदर पर्सन. कहता है इफ द बायर इज डिस्टर्ब्ड इन द एंजॉयमेंट ऑफ द गुड्स ड्यू टू द सेलर्स डिफेक्टिव टाइटल. कि सेलर का डिफेक्टिव टाइटल था, उसने रॉन्ग टाइटल था, उसकी चीज ही नहीं थी, उसने धोखे से उसको चीज दी, चीज वो किसी और की थी, तो he can claim the damages from the seller. मैं example इनकी इस वजह छोड़ रहा हूँ क्योंकि it's a daily and normal routine की बातें हैं और मेरे ख्याल से आपको understand भी साथ साथ हो रही हैं. किसी को कोई question हो तो फौरन मुझे in short बता सकता है. Second point है कि freedom from encumbrances.
हम पढ़ लेते हैं encumbrances क्या होता है। कहते हैं इट इज एन इम्प्लाइड वारंटी ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर, सेलर के बिहाफ पे होती है दैट द गुड शैल बी फ्री फ्रॉम encumbrance इन फेवर ऑफ एनी थर्ड पार्टी। encumbrances कहते हैं वो encumbrances से आपकी बालातर होनी चाहिए। सर सबको स्क्रीन नजर आ रही है? कहते हैं यार वो encumbrance in favor of any third party, the warranty will not apply where such encumbrances are declared to the buyer। encumbrances आप समझ लें कि कोई भी किसी किस्म का heavy burden जिसको हम कहते हैं, कि यार the warranty will not apply where such encumbrances are declared to the buyer when the contract is made, if the possession of the buyer is disturbed due to the such charge in favor of the third party, he can claim the damages। example हम quote कर लेते हैं कि A pledges his car with B, A ने अपनी कार गिरवी रखवाई with B के साथ और promise किया to give its possession the next day, वो possession उसकी ले लेगा। अब A sells his car to X, A ने B की बजाय X को sell करता है और B tells करता है X को about the pledge affair और B X को बता देता है कि भाई इस तरह तो pledge करवाई हुई थी मेरे साथ। अब X pays the amount of pledge to B, X can recover the compensation from A। मतलब कि किसी का बर्डन किसी पर ट्रांसफर हो रहा है, किसी का था वो किसी को ट्रांसफर कर रहा हो, तो एक्स जाहिर बात है उसने तो रिकवर करना है कि यार पहले आपने बी के साथ मौदा किया हुआ था और उसको आपने भी किया हुआ था, तो एक्स ने बी को पेमेंट कर देता और फिर एक्स आपको रिकवर कर सकता है। इस तरह यूसेज ऑफ ट्रेड है, कहते हैं इंप्लाइड वारंटी एज द क्वालिटी और फिटनेस फॉर द पर्टिकुलर पर्पस मे बी एनेक्स बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड। ये ट्रेड में तो ज्यादा में जो भी चीजें यूज होती है उसके मुताबिक होनी चाहिए। कहते हैं यार शालम मार्केट, ये लाहौर की बड़ी मशहूर मार्केट है जिसको हम शालमी मार्केट से पढ़ते हैं, ऑफर्स टू पे द डैमेजेस ऑन द फेडिंग ऑफ कलर ऑफ क्लॉथ। क्लॉथ का कलर क्या होता है, फेड हो गया, एवरी सेलर ऑफ द क्लॉथ ऑफ दैट मार्केट इज बाउंड बाय दिस वारंटी। ऑब्वियसली वारंटी में अंडरस्टूड सी बात है, इंप्लाइडली है कि यूसेज ऑफ ट्रेड चला हुआ है, अगर गलत कोई चीज है तो उसको उसको ठीक भी करनी चाहिए, ये अंडरस्टूड सी बात है, इंप्लाइडली है। डिस्क्लोजर ऑफ द डेंजरस गुड्स, अगर कोई डेंजरस गुड्स है उसके अंदर डेंजर कोई पाया गया तो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। द एम्प्लॉयड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर इज दैट इफ द गुड्स आर ऑफ डेंजरस नेचर ही विल वार्न द इग्नोरेंट बायर अबाउट द पॉसिबल, उसको बताना चाहिए कि भाई यहाँ पर आपने हाथ नहीं लगाना अदरवाइज करंट लग जाएगा। इन केस ऑफ अ ब्रीच ऑफ दिस वारंटी द बायर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन फॉर द इंजरी कॉज टू हिम, उसको बताना चाहिए, अगर वो नहीं बताता तब होता है तब वो कंपनसेशन एंटाइटल है उसका वो क्लेम करने का। डॉक्ट्राइन ऑफ द कैवेट एम्प्टर, डॉक्ट्राइन हम कहते हैं कि असूल को, कैवेट एम्प्टर एक आपकी ना वो एक आपकी है कि हम कहते हैं ना कि एक लैटिन एक वर्ड है, हम कहते हैं कि यार बल्कि टर्म्स लिखी भी हुई है पहली लाइन में भी, कहता है लेट द बायर बी अवेयर, उसको बायर को एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैं क्या चीज खरीदूं, तो चेक करके ले भाई सेलर क्या चीजें बता देगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसको अपॉर्चुनिटी एक दी गई है कि विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, जो भी रिक्वायर्ड टाइम है विद इन अ रीजनेबल टाइम यू कैन चेक एंड टेक द बेनिफिट फ्रॉम इट। अगर विद इन अ रीजनेबल टाइम आपने आज चीज परचेज की, दो साल बाद को यार तेरा तो डिफेक्टिव टाइटल था, नो 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 इट्स नॉट अ गुड डील। तो कैवेट एम्प्टर मीन्स का क्या होता है, लेट द बायर बी अवेयर, कहता अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू बी केयरफुल व्हाइल परचेजिंग गुड्स, केयरफुल होना चाहिए परचेजिंग के टाइम पे ऑफ दिस रिक्वायरमेंट। The buyer must examine the goods. उसको examine करे goods को thoroughly. He should ensure that the goods are suitable for this purpose. For his purpose. जिस purpose के उसने लिया उसके लिए suitable भी है कि नहीं है. If the goods prove to be defective, अगर वो good prove to be defective हो जाए और do not suit his purpose, the buyer cannot hold the sale liable. Seller liable. If the buyer at the time of purchase depends upon his own skill and makes the bad choice, he must blame himself for his mistake. उसको अपनी ये mistake के लिए अपने आप को ब्लेम करना चाहिए। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 18A द सेलर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू इन्फॉर्म द बायर ऑफ एनी डिफेक्ट। सेलर की ऑब्लिगेशन है अगर कोई डिफेक्टिव है कुछ भी है ऑब्लिगेशन है उसकी बायर को बताना बनती है, सोल्ड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट इन अ केस वेयर द डिफेक्ट इज ऑब्वियसली नोन टू द बायर। डिफेक्ट है बायर को पता होना चाहिए, इट मीन्स दैट
If the defects are in the knowledge of the seller, he must inform to the buyer about those defects, provided those defects are not obvious. कुछ होते हैं कि obviously नहीं होते, तो उसको disclose उसको करना चाहिए. But if the defects are obvious, अगर understood है कि इसमें होता ही होता है, तो seller is not bound to inform to the buyer. पता है यार ये तो understood सी बात है, इसमें होता ही होता है, तो seller bound नहीं उसको inform करने का. कहते हैं ना कुछ नॉर्मल लॉस होते हैं, कुछ एबनॉर्मल होते हैं. अब हम कहें कि यार नींबू ले आए, खट्टा तो ना हो, मीठा होना चाहिए, अंडरस्टूड सी बात है भाई, वो तो है ही कंफर्म. उसके अलावा कोई बात होती है तो उसको इन्फॉर्म करना चाहिए. अब कैविट एंटर की कुछ एग्जेम्पशन है इस केस में, कि जहां पर लेट द बायर बी अवेयर के बायर को ही चेक करना चाहिए, कुछ बायर को अपॉर्चुनिटी है. इसकी कुछ एक्सेप्शन है, क्या है? परचेज बाय डिस्क्रिप्शन, जहां पर आपने स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे इस डिस्क्रिप्शन की गुड चाहिए, तो उसको जरूरी नहीं है वो चेक करे. वैसे तो पहले रिस्पॉन्सिबल उसको चेक करना चाहिए, अगर नहीं करता तो फिर भी सेलर आपका लायबल होगा. कहते हैं व्हेन द गुड्स आर परचेज बाय डिस्क्रिप्शन द डॉक्ट्रिन ऑफ द कैविट एम्प्टर डज नॉट अप्लाई इफ द गुड्स डू नॉट कोरस्पोंड विद द डिस्क्रिप्शन. इसका परचेज बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन ये पहले हम कर चुके हैं. ये परचेज बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, अगर उसने बता दी कि भाई सैंपल के मुताबिक होनी चाहिए और डिस्क्रिप्शन के मुताबिक होनी चाहिए, तो जरूरी नहीं है कैविट एम्प्टर लेट द बायर बी अवेयर भी होना चाहिए. इस तरह फिटनेस फॉर द पर्पस है. कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ द कैविट एम्प्टर does not apply when the buyer informs the seller about particular purpose for which he needs. उसको बताया कि भाई मुझे इस पर्पस के लिए चाहिए, लेकिन फिर भी वो डिफरेंट दे, तो सेलर मस्ट सप्लाई द गुड्स विच शेल बी फिट फॉर द बायर पर्पस, तो यू कैन रिजेक्ट द गुड्स, बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स. यहाँ पर कैविट एम्प्टर का सूल नहीं लगता. इस तरह मर्चेंटेबल क्वालिटी है, ऊपर हम बन चुके हैं कि मर्चेंटेबल क्वालिटी के मुताबिक होनी चाहिए. जब आपने कह दिया कि व्हेन द गुड्स आर बॉट बाय द डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द सेलर हु डील्स इन द गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, देयर इज एन इंप्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी. बट इफ द बायर हैज एग्जामिन्ड द गुड्स, देयर इज नो इंप्लाइड कंडीशन एज रिगार्ड डिफेक्ट्स व्हिच सच एग्जामिनेशन ऑट टू बी टू हैव अ रिवेल्ड. इन शॉर्ट मर्चेंटेबल क्वालिटी के मुताबिक होनी चाहिए फ्रॉम द सेलर के डील की है, अदरवाइज वो वहां पर कैविट एम्प्टर का सूल नहीं लगता. कहता है इफ द बायर अगर वो एग्जामिन कर चुका है तो फिर आपकी इंप्लाइड कंडीशन यहां पर फुलफिल नहीं होती. इस तरह नीचे एग्जांपल कोड कर लेते हैं कि ए ने बॉट किया मिल्क फ्रॉम बी, दूध लिया बी से, अ डेयरी मैन था, इट वॉज कंटेमिनेटेड बाय द जर्म्स, एज वाइफ गॉट इन्फेक्टेड, ए की जो बेगम थी भाई उससे इन्फेक्ट हो गई और डाइड हो गई आफ्टर ड्रिंकिंग द मिल्क, बी वॉज हेल्ड लाइबल फॉर द डैमेजेस, ऑब्वियसली लाइबल है. Usage of trade की हमने ऊपर बात की कि when the usage of trade attaches an implied condition of warranty as to the quality or fitness and the seller deviates from that condition, अगर वो seller जो है उस चीज से deviate करता है, घूमता है, कोई different चीज वो देता है from that condition or warranty, the principle of the caveat emptor does not apply. उसका वो apply नहीं होगा. A purchase and hot water. नीचे simple example of water bottle from B. A retail chemist when A's wife opened the bottle. It's burst and injured him. The proper use of bottle was known to be was liable for the damages. इस तरह purchase by sample है. ऊपर हमने sample और description दोनों की बात की थी. यहाँ पर अगर sample के मुताबिक कहते हैं तब वो opportunity दी जाती है. कहते हैं if the buyer is not कहता है लिखा when the goods are bought by the sample, the principle of the caveat emptor does not imply if the bulk does not correspond with the sample. जैसे उन्होंने sample दिया उसके मुताबिक अगर ना हुआ तो caveat emptor का सूल यहाँ पर नहीं लगता. या बायर को एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि भाई आप चेक कर सकते हो, फिर आपका नहीं होगा. इस तरह कंसेंट बाय द फ्रॉड, कहता व्हेन द सेलर इंटेंशनली मेक्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, वो सेलर क्या है जानबूझकर जानते बूझते हुए वो रॉन्ग स्टेटमेंट दे टू द बायर को, एंड बायर को रिलाई करवाए ऑन इट, एंड व्हेन द सेलर एक्टिवली कंसील्स द डिफेक्ट इन द गुड्स विच कुड नॉट डिस्कवर, जो आप डिस्कवर नहीं कर सकते हो रीजनेबल एग्जामिनेशन के बाद भी, द प्रिंसिपल ऑफ द कैविट एम्प्टर डज नॉट अप्लाई. तो यहाँ पर हम जितना कहते हैं ना सेलर ने जब छुपा ही लिया तो जितना मर्जी कर ले बायर वो डिफेक्ट नहीं ढूंढ सकता. सेकंड वन है कि कंसेंट बाय द मिसरिप्रेजेंटेशन. इस तरह फ्रॉड किया, जिसमें हमने फ्री कंसेंट की हमने चीजें कुछ पढ़ी हुई थी, ये फ्री कंसेंट अगर आपकी नहीं है, किसी किस्म का बर्डन है, किसी की मिसरिप्रेजेंटेशन है, इसी तरह ही आपका
consent by the misrepresentation. कहता है when the seller makes a misrepresentation, when the seller makes a misrepresentation and the buyer relies on, seller ने आपके साथ misrepresent कर लिया, जो चीज थी actually वो बताई नहीं, misrepresent की और buyer ने उस पर rely कर दिया, the doctrine of the caveat emptor does not apply. इस पर apply आपका नहीं होगा. Such contract is voidable. Voidable already हम पढ़ चुके हैं. I don't think so कि आपको elaborate करने की जरूरत है. Voidable का ये होता है कि वो while making the contract लग रहा होता आपको valid, लेकिन बाद में वो void भी हो जाता है. ये voidable होते हैं कि at the option of the buyer, अगर वो चीज को accept कर ले या वो चीज को defect को seller जो है उस चीज के defect को remove करके सही चीज regard आपको करते, तो वो अगर वो accept कर लेता है तो valid हो जाएगा, otherwise वो void हो जाएगा. He can reject the goods. जितनी भी फ्री कंसेंट की बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो वाइडेबल होते हैं, क्योंकि वो वैलिड भी हो सकते हैं और वाइड भी हो सकते हैं. व्हाइल मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट आपको वैलिड लग रहा होगा कि सारी चीजें तकरीबन चीजें सारी कंप्लीट हैं, लेकिन उसकी कंसेंट जो है फ्री कंसेंट शामिल नहीं थी, और जब बाद में अगर वो एग्री कर ले तो ठीक है वैलिड हो जाएगा, अदरवाइज वो वाइड बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट. ये भी आपका टॉपिक आपका एंड हुआ इस चैप्टर में. सेकेंड वन आपकी थर्ड वन आ जाती है कि ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, सेल ऑफ गुड्स में ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी. कहते हैं द फ्रेज ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स मींस द ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप ऑफ द गुड्स, कि अपनी मलकियत एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर कर रहे हो. जिस तरह नॉर्मल हम नॉर्मल लाइफ में हम सुनते हैं कि इंतकाल, जैसे प्रॉपर्टी तो परचेज कर रहे होते हैं तो एक इंतकाल का वर्ड हम यूज कर रहे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी डीड, जो हम कर रहे होते हैं कि ऑन ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन गुड्स द बायर बिकम्स द ओनर. बायर क्या बन जाता है, वो ओनर बन जाता है ऑफ द गुड्स एंड एक्वायर ऑल द राइट्स, जो सेलर के पास जो भी राइट होते हैं वो उसको मिल जाते हैं, एक्वायर हो जाते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड. द रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन गुड्स आर एज अंडर. ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. क्या पहला है कि अनसर्टेन गुड्स. प्रॉपर्टी इन द गुड्स डज नॉट पास टू द बायर. प्रॉपर्टी जो है वो गुड्स की वो डज नॉट पास टू द बायर अंटिल द गुड्स आर असर्टेन. जब तक हमें गुड्स का नहीं पता चलेगा एक्चुअली गुड्स हैं कौन सी, ट्रांसफर करनी कौन सी है, टिल दैट टाइम तक हम इस काबिल नहीं होते कि जब तक हम इसको ट्रांसफर कर सकें, वो पासेस नहीं होती हैं टिल दैट टाइम तक जब तक वो गुड्स असर्टेन ना हो या सेपरेबल ना हो. इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, ये क्या चीज है, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल ऑफ द स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स द ओनरशिप ट्रांसफर व्हेन द पार्टीज इंटेंड टू ट्रांसफर इट. ऑब्वियसली इंटेंशन भी होनी चाहिए पार्टीज की इन ऑर्डर टू सेल, in order to sale of the specific and a certain goods. जब गुड असर्टन होगी तो उनकी इंटेंशन भी शामिल होनी चाहिए सेल करने की. कहते हैं it depends upon the terms of the contract. It may transfer at the time of contract. It may transfer at the time of contract or when the goods are delivered or when the payment is made. यहाँ पे डिपेंड करे, कहते हैं on the spot time contract जब आपका बना है तभी ट्रांसफर कर दें, पेमेंट बाद में ली जाए, या गुड्स आर डिलीवर्ड कर दी जाए और when the payment is made. जब पैसे दिए जाए तब आपको गोल्ड ट्रांसफर की जाए, ये आपकी इंटेंशन ऑफ द पार्टीज पे डिपेंड करती है. इस तरह गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, आपकी गुड्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने पीओ दिया, परचेज ऑर्डर दे दिया और इसके लिए जाहिर बात है प्रोडक्शन दरकार थी और आपकी आप प्रोडक्शन करके डिलीवरेबल स्टेट में कुछ चीजें पड़ी हुई है. कहता व्हेन देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ द स्पेसिफिक गुड्स इन द डिलीवरेबल स्टेट the property in the good passes to the buyer as soon as the contract is made and it is an immaterial whether the time of payment of the price or a time of the delivery or both is postponed. ye immaterial hai ki time of the payment of the price kya hai aur time of the delivery kya hai aur both is postponed. isse niche mein ki example hai ki b offer karta hai to the sell his horse to a
B offers to sell his horse to A. The horse will be delivered on the stated day. Horse will be delivered on the stated day. जो बताया गया था and price will be paid on the at the time of delivery. अब A accepts the offer. A ने accept करता है offer को और A becomes the owner when the offer is accepted. When the offer is accepted किया तो goods in the deliverable state है again. Fourth one है कि goods to be put in deliverable state. पहले थी deliverable state, अब उस condition में उसने डाल ली कि deliverable state की form में आ जाए. अब क्या है, the expression put the goods. Expression put the goods into the deliverable state means doing an act like polishing, packing, loading, giving a finished shape to the goods, etc. Where there is a contract of sale of the specific goods and the seller is bound to do something the goods for the purpose of putting them into the deliverable state, the ownership does not pass जब तक ये सारी कंडीशन फुलफिल ना होंगी. जिस तरह एस सेल्स अ स्कूटर टू बी फॉर रुपीज 50,000, बी पेज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब उसने पेड कर दिया, बट कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर्स एस टू पेंट द स्कूटर इन ग्रे कलर. बी विल बिकम द ओनर व्हेन द स्कूटर इज पेंटेड एंड बी हैज अ नोटिस ऑफ इट. कब ओनर बनेगा, जब वो पेंट हो जाएगा और उसको नोटिस होगा. Goods to be measured. Measurement का क्या है? कहता when there is a contract for the sale of the specific goods in the deliverable state, मोहम्मद अरिफ हम 5 बजे ब्रेक कर लें, अगर वैसे टाइम तो होता है सर का, हम 5 बजे ये है कि ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट टाइम हो जाएगा. फॉर श्योर, थैंक यू. गुड्स टू बी मेजर्ड, व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट बट द सेलर इज बाउंड टू वे. सेलर क्या होगा, बाउंड है उसको वे करने का, उसका वेट करने का, वजन करने का, मेजर करने का, उसको टेस्ट करने का, और डू समथिंग अदर एक्ट और थिंक विद रेफरेंस टू द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ असर्टिंग द प्राइस. The property does not pass until such act is done and the buyer has noticed thereof. ये normally business में भी हम ना practical भी करते हैं. For example, कहीं किसी company वगैरह में ना वो कुछ ये जिस तरह four sectors हैं companies वगैरह में, factories वगैरह में क्या होता है, जब goods आते हैं, raw material की एक जब गाड़ी आती है ना, तो अपने साथ में एक third party weight slip भी होती है उसकी. Weight वो करवा कर आया होता है, gross weight भी, tear weight भी और net weight भी. तो एक अपने हम कांटे की पर्ची लेते हैं, हमारे पास भी एक कांटा लगा होता है उसकी भी पर्ची लेते हैं. तो ये सारी चीजें वो मेजर करवा के आते हैं कि क्या टेस्ट है, क्या मेजरमेंट है, क्या वेट है इसका. तो ये सारी चीजें जब तक डन नहीं होती, जब तक आपका टाइटल ट्रांसफर नहीं होता. ये तो गुड्स टू बी मेजर्ड, मेजर्ड करनी चाहिए. जैसे एल सोल्ड 289 बेल्स ऑफ द गॉड स्किन्स ऑफ टू एफ बिफोर जेड कुड नॉट कुड काउंट देम द बेल्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर हेल्ड द लॉस फेल ऑन जेड because the ownership had not transferred to F. Is tarah unconditional appropriation hai, kehta when there is a contract for the sale of uncertain, uncertain hai aur future goods hai, future mein prepare honi hai. By the description, the property in the goods passes to the buyer when the goods are of that of description in the deliverable state are unconditionally appropriated to the contract either by the seller with assent of the buyer और बाय द बायर विद द एसेंट ऑफ द सेलर. एसेंट कहते हैं रजामंदी, हमने एसेंट अपनी जाहिर कर दी. इसके भी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन का एक्चुअली है क्या. पी ने बॉट किए 20 बैग ऑफ शुगर के फ्रॉम आर से, आर फिल्ड अप 20 बैग्स, पी टुक डिलीवरी ऑफ 4 बैग्स एंड प्रॉमिस टू टेक द रेस्ट लेटर, वो बाद में उठा लेगा. पी फेल्ड हो गया टू कलेक्ट द रिमेनिंग एंड आर ने सूट कर दिया फॉर द प्राइस के लिए, भाई मुझे तो पैसे चाहिए. Held the ownership had passed to the buyer. Delivery to carrier. Either the seller is deemed to have appropriated the goods when he delivers the goods to a carrier for transmission to the buyer. Transmit करने के लिए the delivery of the goods to a carrier is considered the delivery to the buyer.
सिर्फ कैरेज में डाल देते हैं, कोरियर में डाल देते हैं, एंड द ओनरशिप एट वंस ट्रांसफर टू द बायर, द टर्म ऑफ प्रोकेशन इन्वॉल्व्स सेपरेटिंग, वेइंग, मेजरिंग, काउंटिंग और सिमिलर एक्ट्स। कहता बी बायर अ फ्रिज फ्रॉम ए, अ शॉपकीपर, व्हेन ए हैंडओवर्स द फ्रिज टू कैरियर, कैरियर में उसने डाल दिया, लोड कर दिया, द ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है बी के पास, मीम टू से दैट। गुड्स डिलीवर्ड ऑन अप्रूवल, अप्रूवल पे चीजें डिपेंड कर रही हैं अब। कहता व्हेन द, इन शॉर्ट यार सीधी सी बात है कि जब तक अप्रूवल नहीं होगी जब तक वो नहीं। कहता व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न, जैसे कि ना सेल ऑन रिटर्न बेसिस, ये वापसी भी हो सकती है जा भी सकती है, और द सिमिलर टर्म्स द प्रॉपर्टी देयर इन पासेस टू द बायर। कहता व्हेन ही गिव्स द हिज एक्सेप्टेंस टू द सेलर और डज एनी अदर एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन, when he gives his acceptance to the buyer or does any other act adopting that transaction, if he does not give his acceptance, agar wo apni acceptance show nahi karta to the seller but retains the goods without giving a notice of rejecting rejection beyond the time fixed for the return of goods, ki yaar ek time tha ki jiski duration mein wo return kar sakta tha, usse beyond okay usne rejection ka notice kar diya, और इफ नो टाइम हैज बीन फिक्स्ड बियॉन्ड द रीजनेबल टाइम, दोनों में केसेस में कि यार ही डज नॉट गिव हिज एक्सेप्टेंस, अपनी एक्सेप्टेंस वो नहीं देता टू द सेलर को, लेकिन बट रिटेन रखता है कि द गुड्स विदाउट गिविंग अ नोटिस, वो नोटिस दिए बगैर, या इट हैज बीन बियॉन्ड जो भी रीजनेबल टाइम था। जैसे हम एग्जाम्पल कोट कर लेते हैं कि ए ने सेंड की ज्वेलरी टू बी के ऑन टर्म्स ऑफ द सेल और रिटर्न बेसिस, द ज्वेलरी बिकम्स, ये सेल और रिटर्न बेसिस का ये होता है कि यार एक टाइम दे दिया जाता है, इस देर में आप वापस भी कर सकते हो, तो 100% आपको प्राइस रिकवर होती है। द ज्वेलरी बिकम्स बीज प्रॉपर्टी व्हेन बी रिटेन्स देम, ज्वेलरी बिकम्स बी की प्रॉपर्टी पर कि जब उसने रिटेन कर लिया, बी डिलीवर्ड अ हॉर्स टू ए ऑन टर्म्स ऑफ द सेल और रिटर्न बेसिस विद इन 8 डेज, के 8 डेज के अंदर अंदर आप बता दो, द हॉर्स डाइड ऑन द थर्ड डे विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ द ई हेल्ड, अब बी वांट टू वाज टू बेयर द लॉस एज द हॉर्स वाज स्टिल हिज प्रॉपर्टी। अब है सेल बाय नॉन ओनर, आपकी मलकियत नहीं है लेकिन फिर भी आप सेल कर रहे हो, तो जनरली ओनली द ओनर ऑफ द गुड्स कैन सेल द गुड्स, जनरली हम ये कहते हैं कि भाई जिसकी ओनरशिप है वही सेल करता है। कहते हैं इफ द सेलर इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स एंड द बायर कैन नॉट बिकम द ट्रू ओनर, बायर वो कैन नॉट नहीं बन सकता ट्रू ओनर इवन दो ही हैज पेड वैल्यू ऑफ द गुड्स, जब तक वो वैल्यू पे ना करते। दिस प्रोटेक्ट्स द ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स, के ये प्रोटेक्ट करता है कि ट्रू ओनर को, द मैक्सिम, एक मैक्सिम है, एक उसूल बना हुआ है, नेमो डैट कोड नॉट हैबिट, नेमो डैट कोड नॉट हैबिट मींस दैट नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल दैट ही हिमसेल्फ पोसेसेस, जो एक्चुअल उसका टाइटल है उसके बढ़कर उसके टाइटल को कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता प्रॉपर्टी को। जिस तरह सी सेल द रेडियो एंड सेल इट टू बी, सी ने चोरी किया रेडियो और बी को बाई कर दिया, बी परचेज करता है इट विदाउट नोटिस दैट सी इज नॉट द ट्रू ओनर, कि सी तो ओनर है नहीं, द ट्रू ओनर कैन रिकवर इट फ्रॉम बी, से वो रिकवर कर सकता है। एक मिनट का यहाँ पर शॉर्ट हम लेते हैं कि अजान हो जाए, देन विल बी राइट। Thank you.
इसी असूल की हम सेल बाय नॉन ओनर की है कि यार इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, क्या है पर्सन नॉट द ओनर, क्या है व्हेन द ओनर ऑफ द गुड्स बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट और एक्ट और ओमिशन, जो भी है वर्ड्स के थ्रू, कंडक्ट के थ्रू, एक्ट और ओमिशन के थ्रू कॉजेस द बायर टू बिलीव दैट, कि बायर बिलीव करने में मजबूर हो जाए तो सेलर हैज अथॉरिटी टू सेल द डेट, उसकी अथॉरिटी है, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स डिनाई द सेलर्स अथॉरिटी टू सेल, द बायर इन सच अ केसेस गेट्स अ बेटर टाइटल देन द सेलर, ऑब्वियसली बायर तो पे कर रहा है ना। सेकंड वन है कि मर्चेंटाइल एजेंट, कहता है व्हेन अ मर्चेंटाइल एजेंट इज विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, इज विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, ओनर की कंसेंट के साथ, इन पोजेशन ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल टू द गुड्स, एनी सेल मेड बाय हिम इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस शैल बी वैलिड प्रोवाइडेड द बायर एक्ट्स इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस दैट द सेलर हैड नो अथॉरिटी टू द सेल। सिंपल इज दैट व्हेन द मर्केंटाइल एक एजेंट होता है विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, मालिक की कंसेंट के साथ, इन पोजेशन ऑफ द गुड्स, इन पोजेशन ऑफ द गुड्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू ऑफ द टाइटल ऑफ द गुड्स, जो भी इन पोजेशन ऑफ द गुड्स है या डॉक्यूमेंट्स टू द टाइटल ऑफ द गुड्स, कोई भी सेल मेड बाय हिम, उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल की है, शैल बी वैलिड क्रिएट होगी प्रोवाइडेड द बायर एक्ट्स इन अ गुड फेथ, बायर भी क्या कर रहा हो गुड फेथ में वो मूव कर रहा हो, एंड विदाउट नोटिस दैट द सेलर हैड नो अथॉरिटी टू द सेल। हम एग्जांपल कोट कर लेते हैं, कहता है एफ गेव हिज कार टू अ मर्केंटाइल एजेंट फॉर सेल एट अ स्टेटेड प्राइस, द एजेंट सोल्ड द कार टू एस बिलो द स्टेटेड प्राइस, उसे बिलो कर दी। अब एस रीसोल्ड द कार टू के, हेल्ड एस ट्रांसफर अ गुड टाइटल टू के एंड एफ वॉज नॉट एंटाइटल टू रिकवर द कार। सबको क्लियर है ये टॉपिक मर्केंटाइल एजेंट, किसी को कोई कंफ्यूजिंग तो नहीं है? थर्ड वन है कि ज्वाइंट ओनर, एक से ज्यादा मिलकर भी लोग ज्वाइंट ओनर हो सकते हैं, कि व्हेन वन ऑफ द ज्वाइंट ओनर हैविंग पोजेशन ऑफ द गुड्स बाय परमिशन ऑफ द को ओनर, By permission of the, दोनों की रजामंदी हमारे पास जाहिर होती है कि सेल द गुड्स। अब बेशक एक ही पोजीशन में गुड्स पड़ी हो, दूसरे के पास ना पड़ी हो, तो दोनों की कौन की परमिशन चाहिए होती है। अब बायर गेट्स अ गुड टाइटल टू द गुड्स, बायर उस वक्त तक गुड टाइटल उसको रिसीव नहीं कर सकते जब तक दोनों की परमिशन ना, गुड फेथ और विदाउट नोटिस दैट द सेलर्स टाइटल वाज रिफ्लेक्टिव एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कहता है ए बी एंड सी आर थ्री ब्रदर्स, दे जॉइंटली ओन अ को, B and C leave the cow for look after in A's possession. A sells the cow to D. D gets a good title, obviously. Possession in a voidable contract. When a contract has obtained a possession of the goods under a voidable contract, means इसकी free consent शामिल नहीं थी, और sell कर देता them before the contract has been cancelled, इससे पहले कि contract cancel हो, the buyer of such goods acquires a good title, buyer इसमें क्या करेगा, such goods acquire करता है good title provided the buyer acts in a good faith and without notice of the seller's defective of the title. Example हम quote कर लेते हैं कि A buys a horse from B by fraud, fraudulent activity के through वो buy करता है। A sells the horse to C before cancellation of contract B. C gets a good title. अब seller in possession after sale. Sale के बाद भी seller की possession में चीज रह रही है। कहता when the person has sold goods but continues to be in the possession of them. Continuously seller के पास ही उसकी possession रहे physically. All of the document of the title there too. He may sell them to a third party. वो third person को वो sell कर सकता है. And if such person obtains delivery thereof in good faith and without notice of the previous sale, he gets a good title to them. Although the property in the goods has passed to the first buyer ki taraf, wo transfer ho gayi thi. Jis tarah B buy karta hai from A se, but leaves the goods with A. A fraudulently sale kar deta hai to C ko. C to usne good title le kiya hai. Jo bhi A ke saath B ka mamla hai, wo usko compensation dega. Jis tarah buy in the possession before the sale. Ab sale honne se pehle hi buyer ke paas possession pahunch gayi.
when the buyer obtained a possession of the goods before the property in such goods has passed to him with the consent of the seller, he may sell them to the third person. And if such person obtained delivery of the goods in a good faith and without notice of the any lien kehte kabza karna of the original seller, he will get a good title. Example, I'm quote kar lete hain ki A ne agreed kiya to buy a car if his advocate approved. A obtained a possession of a car, usne obtained kar liya, sold it to B. But the advocate disapproved. It was held that the buyer has got a good title. Obviously, unpaid seller, abhi tak seller ko paise nahi mile. When unpaid seller who has a right of a lien, jiska lien hai, stoppage kar sakta hai, transit mein agar delivery ja rahi hai, resale kar sakta hai goods ko, the buyer gets a good title to the goods as against the original buyer, in spite of the fact that no notice of the resale has been given to the original buyer. Jis tarah humne kaha ki A sells a sofa set to B for rupees of 10,000, B pay karta hai 4,000 as advance and promise karta hai to pay the remaining balance at the time of delivery. B does not pay the balance for the several days. A sell kar deta hai sofa set to C. C ne to good title kiya. Is tarah finder of the lost goods, kuch gumi cheez aapko find out ho jati hai. Ye costly contract isme link hota hai. Aapne kuch padhe last time yaad bhi ho ke finder of the lost goods can sell the goods under a certain circumstance and buyer will get a good title. So circumstance ye hote hain ki aapne reasonable circumstance mein reasonable koshish ki ho buyer ko actually jo finder actually jo owner hai usko dhoondne ki, agar nahi milta then kuch phir ye hai ki buyer ne to good title wo karega na. Is tarah pledge hai girvi hai ki pledge can sell the goods under a certain circumstance or buyer will get a good title. Humne padha hua hai कि अगर वो विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम उसको वापस नहीं करता तो ऑब्वियसली वो सेल कर सकते हो और बायर तो गुड टाइटल करेगा कि एक्स ने प्लेज कर दिया टू हिज डेटर टू वाई एंड बोरोस फॉर 5 लाख. एक्स डज नॉट पे द लोन, वाई ने सेल कर दिया. सीधे सी एग्जांपल है कि सेड हमारे गेट्स अ गुड टाइटल, वो तो करेगा. इस तरह एक्सेप्शंस अंडर अदर एक्ट्स. एक्सेप्शंस क्या है? कहता है नॉन ओनर कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल इन द फॉलोइंग केसेस. वो कौन से केसेस हैं? इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, अगर दिवालिया है ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, the official receiver can convey a better title to the buyer. Obviously, when solvent ho gaya to better title kar sakta hai. In case of a negotiable instrument is beyond to the syllabus waise, lekin normally ye ki jis tarah check wagera hote hain, the holder in due case ke course gets a better title than that of a transfer. Jaise kuch cross check wagera ki cheeze wagera hoti hain, promissory note wagera, isme case mein wo kehta hai ki yaar holder in due course jo hota hai gets a better title karta hai than that of a transfer. यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होते हैं जिसमें हम एग्जांपल भी इसकी कोट कर लेते हैं. कि ए बिकम्स इनसॉल्वेंट, ए क्या हो गया? इनसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया. बी द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ ए, बी क्या था? उसका ऑफिशियल रिसीवर था ए का. सेल कर दिया सम गुड्स टू ऑफ ए, सेल सम गुड्स ऑफ ए टू एक्स, ए की जो कुछ चीजें थी वो एक्स को हमने सेल कर दी. अब एक्स गेट अ गुड टाइटल टू द गुड्स. यहाँ पर वो कहते हैं कि यार A तो becomes insolvent हुआ, B इसका official receiver था, तो B actually मतलब कि ना वो good title है, इसकी जगह पर ज़्यादा अच्छा better transfer कर सकता है. Exception वो आपका non-owner था. इस तरह A steals the bill of B, चोरी करता है bill of B and endorse कर देता है the same to X under the circumstance, which makes X how holder in due course X get a good title. यहाँ पर किसी किस्म का, यहाँ तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कल हम इंशाल्लाह एक्चुअली आई हैव एन इमरजेंसी सम वर्क, तो हम लेक्चर को आज यहीं पर 5 बजे हम एंड करते हैं. कल हम इंशाल्लाह परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हम कुछ पढ़ेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ये भी टॉपिक हमारा कम्प्लीट हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट हमारा कम्प्लीट हो जाएगा. केस स्टडी स्टूडेंट्स, अनफॉर्चुनेटली ऑफ फाइल नहीं, कुछ सर्टल आई हुई है, आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी. यहाँ तक किसी किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आस्क. जी मोहम्मद आरिफ, एहसन, हमजा, फवाद, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर तो प्लीज आस्क. किसी किस्म का? अच्छा मोहम्मद आरिफ, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें दैट्स गुड. जी बिलाल अफसर, फवाद असलम, मंसूर,
जी स्टूडेंट्स, हम लेक्चर को यहीं पर तकरीबन एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में विल मीट। थैंक यू फॉर द कमिंग हेड ऑफिस सर, लेक्चर को काइंडली एंड कर दें, 5 o'clock पॉसिबल है हमारे साथ हेड ऑफिस सर? यहाँ पर कोई बैठे हुए हैं? जी सर, आर यू हैंग मी? जी जी सर, काइंडली लेक्चर को एंड कर दें, सम इमरजेंसी वक्त, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास ये है कि वो ज्वाइन हो जाएगी सेम टाइम। थैंक यू।